Hello everyone, welcome back to the channel. So if you're new to this channel, hello, my name is Muskan Agrawal. Me along with my team teaches you all from classes 9 to 12, all subjects. So I hope आपके half yearly खत्म हो गए and आपके results बहुत अच्छे रहे. आपने नवरात्रि दशहरा बहुत अच्छे से enjoy किया है. अब दिवाली आने वाली है around the corner, but बीच में थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है क्योंकि आपके एनुअल एग्जाम्स को सिर्फ 3 मंथ्स रह गए हैं. तो हमें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, सैम्पल पेपर भी सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने, इतना सारा काम है भाई, थोड़ा समय निकाल लो पढ़ाई लिखाई के लिए. तो आज एक हम बहुत ही आसान से चैप्टर कम्प्लीट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, विच इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. हमने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दें इकोनॉमिक्स के. इसके बाद हमारा 1 चैप्टर और रह जाएगा, देन आवर इकोनॉमिक सिलेबस विल बी कंप्लीटेड. तो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, खाने की समस्या को हम इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. कैसे खाना अवेल किया जाता है इंडिया के लोगों को, इंडिया के लोग कैसे उस अवेलेबिलिटी को यूटिलाइज करते हैं, वो हम इसमें जानेंगे. तो मैं आपको बता दूं, जब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस एरा, मोस्टली 80 to 85% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वॉज इंडल्ज इन एग्रीकल्चर. यानी 80% लोग इंडिया में खेती बाड़ी यानी कि एग्रीकल्चर करते थे, बट दैट नंबर हैज नाउ रिड्यूस टू 60% ड्यू टू राइज इन टर्शरी सेक्टर, क्योंकि टर्शरी सेक्टर का बहुत ज्यादा क्या बोलना चाहिए, डेवलपमेंट हो गया है. इसीलिए लोग एग्रीकल्चर विच इज प्राइमरी सेक्टर उसमें कम आने लगे हैं, एंड टर्शरी सेक्टर विच इज जॉब और ट्रांसपोर्टेशन और एनीथिंग, सो उसमें ज्यादा लोग इंडल्ज कर रहे हैं अपने आप को. तो अब वो घट के 55 to 60% हो गया. फिर भी इट्स वेरी बिग अमाउंट ऑफ नंबर. और क्योंकि इंडिया में चावल, गेहूं, बहुत तरीके के पल्सेस, सभी चीज खाए जाते हैं, सभी चीज कंज्यूम किए जाते हैं, इवन हम मसाले, राइस, सब चीज को एक्सपोर्ट भी करते हैं अदर कंट्रीज में, जिससे हमारे देश की ओवरऑल जीडीपी बढ़ती है. इवन हमारी देश की जो सरकार है वो ये इंश्योर करती है कि भाई जितने भी लोग हैं देश में, कोई भी भूखा ना सोए. बीपीएल कार्ड्स इशू करती है जिसमें आपको 1 रुपए 2 रुपए किलो चावल मिल जाते हैं. तो ये सब चीजें सरकार करती है, हम वो सबको भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? सबसे पहले भाई, खाने की सिक्योरिटी है क्या? खाने की सिक्योरिटी ये नहीं है कि आपने अपने सिबलिंग से बचा के केक फ्रिज में रखा, उसकी आप सिक्योरिटी कर रहे हो, कहीं वो खा ना ले, कहीं वो खा ना ले. ये हम देश की खाने की सिक्योरिटी की बात करें कि फूड सिक्योरिटी एक्चुअल में है क्या. सबसे पहले भाई, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि सबसे पहले तो भाई तुमको खाना अवेल करवाना है लोगों को, कि चाहे अमीर हो या गरीब हो या मिडिल क्लास हो, जो भी हो, सबके पास खाने की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि खाना अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है. प्रोडक्शन ऑफ फूड विद इन अ कंट्री, देखो जो खाना अपनी कंट्री में बनाया जाएगा वो खाना सस्ता होगा और ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, एप्पल आईफोन्स मैन्युफैक्चर होते हैं यूएस में, इसलिए यूएस में उसके प्राइसिंग कम होते हैं. इंडिया तक आते आते उसके प्राइसिंग 50 to 60,000 बढ़ जाते हैं. ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट चार्ज एंड टैक्सेस एंड एवरीथिंग, तो इसलिए बढ़ जाते हैं. तो वहां के लोगों को, यूएस के लोगों को आईफोन यूज करना विल बी चीपर, इंडिया के लोगों को वो महंगा पड़ेगा. तो सेम अगर हम इंडिया में ही अगर हम खाने पीने का प्रोडक्शन करेंगे तो वो महंगा पड़ेगा. जैसे कि आजकल कोरियन नूडल्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, मैगी हमारी 7 रुपए 14 रुपए में आ जाती है, कोरियन नूडल्स कॉस्ट 150 200 250, इतना कॉस्टिंग होता है एक पैकेट नूडल्स का. भाई मम्मी तो कभी नहीं खरीदने देगी मैगी में, तुम 200 250 रुपए बर्बाद कर दो. क्यों? क्योंकि दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन कोरिया, नॉट इन इंडिया, इसीलिए उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है. और लेकिन अगर वही जो मैगी है नेस्ले कंपनी जो बनाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होती है, इसीलिए उसकी कॉस्ट कम है. सो अगर हम प्रोडक्शन विद इन अ कंट्री करेंगे, कंट्री के अंदर ही अगर हम प्रोडक्शन करेंगे, तो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खर्चा भी बचेगा, एंड जो लोग हैं उनके लिए एक अफोर्डेबल रेंज तैयार हो जाएगी. एक्सेसिबिलिटी, अब देखो ये अगर मैं बात करूं हमारा जो कोरबा की, ठीक है, कोरबा में हर चीज एक्सेसिबल नहीं है. लाइक अभी भी अगर आप राशन दुकान में बोलोगे मुझे किमची रामेन चाहिए, मुझे
कोरियन रैमन नूडल्स चाहिए, वो पहले तो बोलेगा क्या होता है ये, ठीक है। तो उतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जो रूरल एरिया में रहते हैं उनके पास तो कहीं राशन दुकान की भी ज्यादा एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, तो पहले तो फूड आपको एक्सेस भी कराना पड़ेगा लोगों को, राशन दुकान के थ्रू, बड़े बड़े मॉल्स के थ्रू, मेगा मार्ट, बिग बाजार, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे तो बिग बाजार भी अवेलेबल नहीं है, लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लोगों को फार ट्रेवल करना पड़ता है वहां से सामान लाने के लिए, ठीक है। तो फूड एक्सेसिबल भी होना चाहिए, जैसे कि अगर आप राशन बांट रहे हो, ठीक है, जैसे कि बीपीएल कार्ड में अगर सरकार 1 रुपए 2 रुपए किलो चावल अगर बांट रही है, तो भाई वो थोड़ा लोगों के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर वो यहाँ से कोरबा से 20 किलोमीटर दूर दिपका में, कटघोरा में चावल बांटेगी, तो कोरबा के लोग कैसे जाके लेंगे, मतलब उनके पास तो गाड़ी, अगर वो खाने के लिए इतना एक्सेसिबल कर रहे हैं, यानी कि उनके पास तो ट्रांसपोर्टेशन की ज्यादा सुविधा होगी नहीं, तो वो 10 मतलब कि इतने रुपए का पेट्रोल जला के, इतने रुपए का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लेके तो 1 रुपए किलो चावल लेने नहीं जाएंगे, वो अलग बात है, एक डार्क रियलिटी है, मैं आपको बता रही हूँ। मतलब सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि जितने भी मध्यम वर्गीय लोग हैं, जैसे कि STSEs एंड एवरीवन जो अफोर्ड नहीं कर सकते खाना, उनको खाना प्रोवाइड करने की, बट वो लोग क्या करते हैं, अगर 10 किलो चावल सरकार दे रही है, तो अगर आपके परिवार में 2 ही लोग हैं तो आपको कम चावल लेना चाहिए, और ताकि सबको अवेलेबल हो पाए, वो लोग क्या करते हैं, 10 किलो चावल पूरा ले लेंगे, आगे का 5 किलो महंगे दामों में रिटेल शॉप में या किसी को भी बेच देंगे, उन्होंने खरीदा 2 रुपए में, बेचेंगे वो सीधा 20 रुपए 30 रुपए 35 रुपए में, तो वो पैसे से देन दिल ड्रिंक एंड एवरीथिंग। तो ये डार्क रियलिटी है जो लोग करते हैं। सरकार चूल्हा से जो चूल्हे जलाए जाते हैं उससे फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों के लंग्स खराब होते हैं, सेकेंड ऑफ ऑल पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो सरकार की ये कोशिश रहती है कि भाई पोल्यूशन भी कंट्रोल हो, लोगों की जान भी बच जाए, फ्री में गैस सिलेंडर प्रोवाइड करती है ऐसे लोगों को, बट वो लोग उसको भी बेच के दे ड्रिंक, तो ये सब सिनेरियो चलते रहता है इंडिया में। इसीलिए शायद हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। देन अफोर्डेबिलिटी, भाई अफोर्डेबल होगा तभी लोग खरीदेंगे, कपड़े जो अफोर्डेबल होंगे लोग वही खरीदते, तो खाने पीने की चीजों में तो लोग क्वालिटी के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी भी देखते हैं, जैसे कि लोग किमची रामेन उतना नहीं खाते जितना मैगी नूडल्स खाते हैं, क्योंकि वो अफोर्डेबल है ऑब्वियसली, चाहे टेस्ट में भले ही थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन इंडिया के लोग पैसे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इंडिया को चाहिए भाई क्वांटिटी और रेट कम, तो अफोर्डेबल होना चाहिए सामान, ठीक है, खाने पीने के सामान। तो आई होप आपको फूड सिक्योरिटी क्या होती है वो समझ में आ गए होंगे, ये 4 पॉइंट आपको याद करने हैं। देन हमारा एक और क्वेश्चन अराइज होता है, विच इज वाई फूड सिक्योरिटी, भाई ये सब चीजों की जरूरत ही क्या है, खाने की इतनी अवेलेबिलिटी एक कंट्री में होना, इतनी अफोर्डेबिलिटी होना, एक्सेसिबिलिटी होना, क्या जरूरी है फूड सिक्योरिटी की, नहीं भी होगा तो चलेगा, भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकमस्टेंसेस, इमरजेंसी सिचुएशन, अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, वॉट इज इमरजेंसी सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल फ्लड की सिचुएशन आ गई, अर्थक्वेक की सिचुएशन आ गई, तो ऐसे में तो पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ऐसे में कोई काम तो करेगा नहीं, राशन दुकान तो खुलेंगे नहीं, लेकिन लोगों को खाने के लिए तो चाहिए, भाई घर ही चले गया तुम खाना कहाँ से बनाओगे, तो खाने पीने को तो चाहिए, ऐसे में सरकार मदद प्रोवाइड करती है। और अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है या कोई लॉकडाउन जैसे कोविड की सिचुएशन आ जाती है, तो भाई जो गुड्स है उसके प्राइजेस बढ़ जाते हैं, क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, अगर ज्यादा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो उस प्रोडक्ट के जो कॉस्ट है वो मेंटेन रहेगी, लेकिन अगर प्रोडक्शन ही रुक जाएगा तो वो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो मेंटेन नहीं रहेगी, वो हायर टू हायर जाती जाएगी, मतलब कि वो बहुत, जैसे कि अभी अनंत अम्बानी ने अपनी शादी में एक घड़ी पहनी थी, दैट इज लिमिटेड एडिशन, मतलब वो वर्ल्ड में कुछ 7 या 8 ही वॉचेस बनाई गई है, इसीलिए उसकी कॉस्ट इतनी हाई है, क्योंकि आगे उसकी प्रोडक्शन होने ही नहीं वाली, एंटीक है वो, तो जब अगर प्रोडक्शन रुक गया है, आगे नहीं हो रहा है और उसकी डिमांड है प्रोडक्ट की, तो प्राइस तो हाई जाएंगे, तो उसको मेंटेन करने के लिए सरकार को बहुत ज्यादा जरूरी है फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। तो आप, आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा, ये भी समझ आ गया होगा, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, व्हाई फूड सिक्योरिटी। अब हु आर फूड इनसिक्योर, यानी कि ऐसे कौन लोग हैं भाई जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, जो लोग खाने में नहीं है। सी, दो टाइप के एरियाज होते हैं आपको पता ही है, रूरल एंड अर्बन। रूरल यानी गांव का एरिया, ठीक है, अर्बन यानी कि
शहर का एरिया, दोनों में अमीरी और गरीबी अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो, आपने पॉवर्टी चैप्टर में पढ़ा होगा। अगर जैसे अगर रूरल एरिया में एक इंसान 20 to 30,000 rupees अगर महीना भी कमा रहा है तो उसके लिए ही इज अपर मिडिल क्लास, कि बहुत अच्छा कमाई हो रहा है। लेकिन अर्बन एरिया में अगर ही इज अर्निंग 20 or 30,000, दैट इज नथिंग, दैट इज नथिंग, क्योंकि वहां की लाइफस्टाइल वैसी रहती है। तो भाई फूड इनसिक्योर है कौन? सबसे पहले तो भाई लैंडलेस पीपल, या तो उनके पास जमीन नहीं है या है तो बहुत ही कम जमीन है, तो उन्हीं को फूड सिक्योरिटी का इशू होता है, खाने पीने का इशू होता है, यानी कि वो लोग अपनी बेसिक नेसेसिटी भी ज्यादा फुलफिल नहीं कर पाते। जैसे कि कई लोग होते हैं जो दूसरे की जमीन रेंट पे लेके एग्रीकल्चर करते हैं, देन अगर उनका क्रॉप फेलियर हो गया तो उनको रेंट भी भरना है और उनको अपनी फैमिली को भी फीड करना है, तो ऐसे लोग फूड सिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट इन लो वेजेस, भाई ये तो थी हमारी रूरल एरिया की मोस्टली सिचुएशन, ये थोड़ी अर्बन एरिया की सिचुएशन है कि एम्प्लॉयमेंट इन लो वेजेस, भाई जितना काम करवा रहे हो आप बंदे से उसकी सैलरी बहुत कम है तो भी उसको फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है। इल पेड जॉब्स अगर अर्बन एरिया में है, जैसे आप काम कर रहे हो 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे और आपको खाली 5,000 4,000 ऐसी सैलरी मिल रही है, तो आप कहाँ से सरवाइव करोगे अर्बन एरिया में? तो उन जैसे लोगों को फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है। कास्ट जैसे कि SC ST, इन लोग को फूड सिक्योरिटीज का इशू हो सकता है बिकॉज दे डोंट हैव, और कई कई की मैं बात कर रही हूँ, देयर ओन लैंड और समथिंग, इसीलिए ये सब कास्ट लोगों को फूड इनसिक्योरिटी का इशू हो सकता है। तो बढ़ते हैं अब आगे। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू हंगर, हंगर यानी कि भूख। अब दो टाइप के हंगर डिस्क्राइब किए गए हैं, विच इज क्रॉनिक हंगर एंड सीजनल हंगर। क्रॉनिक हंगर यानी कि एक ऐसा आदमी या एक ऐसा पर्सन या ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इंसान अपनी सर्वाइवल के लिए भी क्वालिटी फूड ग्रेन्स अफोर्ड नहीं कर पाता, उसको हम क्रॉनिक हंगर कहते हैं थ्रू आउट द ईयर। एंड सीजनल हंगर इज समथिंग विच व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू अफोर्ड इट्स फूड ग्रेन्स, क्वालिटी फूड ग्रेन्स पर्टिकुलर सीजन, यानी कि उसने हार्वेस्ट, फॉर सपोज देर इज अ फार्मर, तो उसने अगर हार्वेस्ट किया उसे बेचा तब उसके पास पैसे हैं। अब वो पैसे वो सीजन पूरा साल गुजारने के लिए तो काफी नहीं होंगे, तो वो सीजन अच्छे से खाएगा पिएगा रहेगा, बाकी सीजन फिर वो थोड़ा सा हंगर इशू यानी कि फूड इनसिक्योरिटी का इशू फेस करेगा। तो ये दो टाइप के हंगर आपकी बुक में डिस्क्राइब किए गए हैं। इंडिया इज एविंग इट सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि भाई जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि इंडिया में 80% लोग पहले एग्रीकल्चर करते थे, अब 60% लोग एग्रीकल्चर करते हैं, तो भाई वहाँ इंडिया शुरू से ही इंडिपेंडेंस के पहले से ही फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशियंट है, यानी कि यहाँ चावल उगाते हैं लोग, वीट उगाते हैं, पल्सेस उगाते हैं, इवन मसाले इतने ज्यादा उगाए जाते हैं कि इंडिया पूरा खाने पीने के मामले में तो सेल्फ सफिशिएंट है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन का फिर इंट्रोडक्शन किया गया इंडिया में एग्रीकल्चर को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटीज की सीड्स यूज करना, ज्यादा से ज्यादा मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज करना ताकि क्वांटिटी और क्वालिटी ग्रेन्स की और प्लांट्स की और ज्यादा बढ़ सके। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला इंदिरा गांधी के रेन में, यानी कि जब इंदिरा गांधी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी तब उनके रेन में ग्रीन रिवॉल्यूशन को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिला, और उन्होंने एक वीट स्टैम्प भी इंट्रोड्यूस किया था जिसका एम था वीट रिवॉल्यूशन, यानी कि उनको राइस तो चलो उग ही रहे इंडिया में, ज्यादा राइस बोल भी कहा जाता था वर्ल्ड का इंडिया को, तो राइस तो उग ही रहे साथ ही साथ गेहूं की भी हम उत्पत्ति ज्यादा करेंगे। तो ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जुलाई 1968 में, ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा कि भाई इंदिरा गांधी ने सबसे पहले तो कौन सा स्टैम्प इंट्रोड्यूस किया था, तो वीट स्टैम्प इंट्रोड्यूस किया था, किस लिए? वीट रिवॉल्यूशन के लिए, और किस समय? जुलाई 1968 में, ठीक है। अब आते हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, हमने ये जान लिया होती क्या है फूड सिक्योरिटी, क्यों जरूरी है, हंगर कितने टाइप के होते हैं। तो इंडिया में फूड सिक्योरिटी दो तरीके से सरकार ने मेंटेन की है,
फर्स्ट इज बफर स्टॉक, सेकेंड इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों अब हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, विच इज बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मैंने बताया था आपको इंडिया में फूड सिक्योरिटी सरकार दो वजहों से मेंटेन करती है, विच इज बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो सबसे पहले बफर स्टॉक होता क्या है? स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स वीट एंड राइस प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखो हर एक का एक कॉर्पोरेशन होता है, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गया, तो वैसे ही फूड ग्रेन्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक में रखती है ग्रेन्स को, विच इज मोस्टली वीट एंड राइस, क्योंकि भाई पूरे इंडिया में राइस और वीट सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। यहाँ ब्रेड वेड तो कोई खाता नहीं भाई, हमको सिर्फ पराठे और चावल दाल ये सब, ठीक है। तो इसीलिए इसका बफर स्टॉक ऑलरेडी अपने पास जो गवर्नमेंट है वो रखती है। अब ये गवर्नमेंट क्या करती है, मान लो ये एक फार्मर है, ठीक है। अब ये एक फार्मर है, इसने गवर्नमेंट ने इससे जो प्री डिफाइंड एनुअल रेट होता है उसमें ग्रेन्स परचेज किए, ठीक है। जब गवर्नमेंट फार्मर से, अरे यार चुप हो जा, जब गवर्नमेंट प्री डिफाइंड रेट्स पे बहुत क्वांटिटी, जहां पे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, यानी कि मान लो ये फार्मर ने बहुत सरप्लस प्रोडक्शन किया, मान लो पंजाब का फार्मर है ये, इसने बहुत ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन किया है, तो जहां पे सरप्लस प्रोडक्शन होगा गवर्नमेंट वहां के फार्मर से परचेज कर लेगी गुड्स, यानी कि फूड ग्रेन्स परचेज कर लेगी, ठीक है। और जब वो परचेज कर लेगी और जो अमाउंट वो फार्मर को पे करेगी उसी को हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या कहते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। और यही गवर्नमेंट ये सरप्लस जितना भी क्रॉप्स है उसको खरीद के कम दामों पे पुअर पीपल को इशू कर देगी। जितने भी लोग भाई पुअर है, जो लोग भाई फूड अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको भाई इशू कर दिया जाएगा ये, और इसी को कहते हैं हम इशू प्राइस, गॉट इट। तो भाई गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी सरप्लस वाले एग्रीकल्चरल फार्मर्स थे उनसे फूड ग्रेन्स खरीदा, उसे कहा हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसके बाद गवर्नमेंट ने उसके कम प्राइस में, 1 रुपए 2 रुपए किलो चावल में, इन गरीबों को ये जो था उसको इशू कर दिया, तो उसे हम कहते हैं इशू प्राइस, गॉट इट। तो ये था हमारा बफर स्टॉक। फिर आते हैं हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। अब देखो जो लोग एक्सेसिबल नहीं है, यानी कि जो लोग एक्सेस नहीं कर सकते महंगे महंगे दाल चावल बासमती चावल, वो लोग के पास एक होता है राशन कार्ड, ठीक है। राशन कार्ड जिसको हम बीपीएल कार्ड भी कहते हैं, ठीक है। राशन कार्ड वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं राशन की शॉप में जाके, यानी कि जो पब्लिक वाली जो शॉप नहीं होती, फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं उसको, जहाँ 1 रुपए 2 रुपए किलो चावल मिलता है वहां पे, और इन लोग के पास सारा ही स्टॉक होता है, शक्कर का, ऑयल का, कुकिंग ऑयल का, जो भी चीजें खाने पीने की जो कम रेट में मिल जाती है इन लोगों को। तो अगर हम इंडिया का ग्रोथ देखें तो 5.5 लाख ऑल ओवर कंट्री में इस तरीके की राशन शॉप्स अवेलेबल है। तो आपको बफर स्टॉक, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इश्यू प्राइस, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको बफर स्टॉक, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समझ आ गया होगा। अगर आपके पास राशन कार्ड बीपीएल कार्ड नहीं है तो आप इसका फायदा नहीं उठा सकते, और वो लोग इस पैसे का क्या करते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके सो अब हम बहुत सारे स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि गवर्नमेंट ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किए हैं फूड सिक्योरिटी को और बढ़ाने के लिए। सबसे पहला है हमारा, और ये सारे एक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट विच वॉज लॉन्च इन द ईयर 2013, और ये एम करती थी, दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइस। अब देखो अगर प्राइस अफोर्डेबल रहेगा
तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे एंड उनके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो उनकी लाइफ की क्वालिटी है वो बढ़ेगी और इससे डिग्निटी भी बढ़ेगी लोगों की, ठीक है, यानी कि वो समाज में इज्जत की जिंदगी जी पाएंगे। 75% ऑफ द रूरल एरिया वॉज कवर्ड इन दिस एंड 50% अर्बन सेटलमेंट वॉज मेड इन दिस। और उसके बाद जो करंट सिचुएशन है फूड सिक्योरिटी की इंडिया पे, उस पर बात करते हैं। बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं, उसमें सबसे पहला था हमारा अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, ये लॉन्च किया गया था दिसंबर 2000 में। पुअरेस्ट फैमिलीज वर सिलेक्टेड। अब देखो, जितनी भी बीपीएल कार्ड वाली फैमिली थी जो सर्वे के थ्रू रूरल एरियाज में जा जाके सिलेक्ट किए गए, और 25 केजीज ऑफ फूड ग्रेन्स वर मेड अवेलेबल, यानी कि हर एक परिवार को 25 किलो तक का फूड ग्रेन अवेलेबल कराया गया, जिसमें बहुत ही लो कॉस्ट पे सामान अवेलेबल कराया, विच वॉज 2 रुपीज केजी व्हीट एंड 3 रुपीज केजी राइस। और जब ये बहुत ज्यादा वास्टली एक्सपेंड होने लगा, बहुत फेमस होने लगा, तो ये जो अमाउंट था वो 25 किलो से बढ़ाकर 35 किलो तक कर दिया गया, यानी कि लोग अब 35 किलो तक का चावल और गेहूं ले सकते थे 2002 तक। फिर 50 लाख से भी ज्यादा लोगों की मदद हो चुकी थी 2002 के बाद से। फिर 2 करोड़ फैमिलीज हैज बीन कंज्यूम्ड, यानी कि अभी तक में ये AAY से 2 करोड़ तक की फैमिली की मदद हो चुकी है। फिर अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है भाई? छूट, जो मैक्सिमम अमाउंट है उसमें कुछ छूट दे दी जाए। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन के नाम से आजकल बहुत अच्छी सब्सिडी मिल रही है, जैसे कि अगर कोई भी बिजनेस चालू करता है या कोई जमीन लेता है तो वुमेन के नाम से लेता है, क्यों? क्योंकि बैंक उसमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है। कोई अगर लो कास्ट लोग है तो उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, आपके पास बीपीएल कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, तो उसमें आपको सब्सिडी प्रोवाइड होती है, यानी कि अगर आप 5 लाख का लोन लेने जा रहे हो, आपको उसमें 80,000 रुपए, 85,000 रुपए, 80,000 to 85,000 का बैंक सब्सिडी दे देगी, यानी कि छूट दे देगी, ठीक है। फिर होगा राइजिंग MSP। MSP याद कर लिए बच्चों क्या था MSP, जो कि था कि भाई ये फार्मर है, फार्मर से गवर्नमेंट ग्रेन्स लेगी और फार्मर को पेमेंट करेगी, तो इसकी भी जो पेमेंट की कॉस्ट थी वो बढ़ा दी गई, तो फार्मर्स का भी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ गया। कोऑपरेटिव क्या होती है? कोऑपरेटिव एक काइंड ऑफ आप NGOs बोल सकते हो, जो कि खोले जाते थे, जो कि मोस्टली प्रिवेल करते हैं वेस्टर्न और नॉर्दर्न साइड में इंडिया के, और ये कोऑपरेटिव्स दुकान खोलते थे, राशन दुकान, जहाँ पे बहुत ही कम रेट में, यानी कि जो ओरिजिनल रिटेल शॉप होती है उससे कम रेट में आपको वहाँ पे सामान अवेलेबल कराया जाएगा। तो NGOs वगैरह भी बहुत सारे कोऑपरेटिव्स के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बुक रीड जरूर कर लीजिएगा बच्चों, प्लीज आप लाइन टू लाइन अगर बुक रीड करेंगे तब आपको और अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। सारे ही चैप्टर्स के लिए मैं बोलूंगी बुक रीड कर लीजिए NCERT की, बिकॉज अगर आप उतना ही कर लेते हैं सिर्फ तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करके जाना।